वैसो गाइस, आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो जो सुबह सुबह 4 बजे मेरे साथ में उठ चुके हैं, सबसे पहले तो सैल्यूट है आप लोगों के डेडिकेशन को कि इतनी सर्दी होते हुए भी आप लोग सुबह सुबह जगकर वीडियो देखने के लिए उठते हैं और फिर अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं। आपके लिए ही यहाँ पर ये बेसिकली एक आज की कोटेशन भी है, जो उन लोगों के लिए है जो रेगुलर अपने काम को भले ही उनको लगे कि वो नहीं हो पाएगा पर फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के लिए कोट है आज की। बात की गई है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। एक ऐसा पर्सन जिसे कोई काम नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए एक ऑप्शन ढूंढ रहा है कि किस तरीके से ये बात बोली जाए कि यार ये काम इसलिए मेरे से नहीं हो रहा है, इनके बहाने ढूंढ रहा है। और एक पर्सन वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए यार ये काम तो करके ही छोड़ना है। तो दोनों में आप लोगों को जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो बहाने बनाने वाला पर्सन है वो वहीं पड़ा रहेगा और जो अपने काम को करने वाला पर्सन है वो बहुत आगे निकल जाएगा और फिर उसको समझ में आएगा जब किस दिन दोनों मिलेंगे, यार उस टाइम पे ये कर लिया होता तो वैसा हो जाता। और जो जिंदगी में एक खास शब्द लग जाता है ना, ये आगे चलकर 10 साल 20 साल बाद बैठेंगे और फिर बोलेंगे यार काश उस टाइम पर ये कर लिया होता। ये पछतावे वाला जो काश उस टाइम पर बोला जाएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पर आज आप लोगों के पास में टाइम है, आज आप लोगों को जो भी काम करना है उसको आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको अच्छे से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए ये काश आगे चलकर आप लोगों की जिंदगी में न लगे, ये काश इससे पहले कि आप लोग इस जिंदगी को बकवास बनाएं, आप लोग इस काश को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दीजिए और जो भी आप लोगों को करना है लाइफ में उसके ऊपर इतना डेडिकेशन होकर आप लोगों को काम कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यार ये तो अचीव करके छोड़ना ही छोड़ना है। तो वो वाली टेंडेंसी लेकर आइए, हजार बार प्रैक्टिस क्यों ना करनी पड़े किसी चीज की, पर वो करनी ही करनी है। वो वाला जज्बा और वो वाला जोश अपने अंदर लेकर आइए, तो इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को लीड करके चलना है। दोस्तों वैसे तो सारे त्योहार हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं, सारे दिन हमारे लिए कुछ नया लेकर आते हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ दिन कुछ ऐसे स्पेशल होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं और खासकर जिनसे हमारी जो लाइफ में खुशी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ऐसा ही एक दिन है यहाँ पर, मैरी क्रिसमस सबको, आप लोगों को, आपके परिवार को, आपके यार दोस्त रिश्तेदार को, सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को एक विश मांगने के लिए बोली जाए कि आप लोगों को सेंटा से एक विश मांगनी है तो वो कौन सी विश होगी जो आप लोग मांगना चाहेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग बताइए। मेरी तो विश ये होगी कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे मॉर्निंग में आके लेक्चर देखना स्टार्ट कर दे, तो देखता हूँ कि मॉर्निंग में सारे मेरे साथ में उठ जाए और फिर अपने शेड्यूल को फॉलो करें। शाम को जो शाम तक ये वीडियो जो है लगभग 20,000 लोग देखते हैं, अगर 20,000 के 20,000 इसको मॉर्निंग में उठकर देखते तो कैसा रहेगा है? तो मेरी ये विश है, देखते हैं मेरी विश कितनी कंप्लीट होती है। रियलिटी में यार मैं चाहता हूं कि मॉर्निंग में उठ के अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करें, क्योंकि जो लीडर है ना वो अपने दिन को औरों के कंपेयर में पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी यही इच्छा है कि मॉर्निंग में उठ के आप लोग अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। बाकी आप लोगों की क्या विषय है आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आइए, आज का लेक्चर होगा आप लोगों के सामने, पर लेकिन इंपॉर्टेंट डे नहीं, पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा, तो क्विज देखते हैं। क्विज को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर इनका आंसर मिलेगा। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है हॉकर कल्चर, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर किस कंट्री के अंदर आता है जिसको रिसेंटली अभी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है? तो ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विस के बारे में आप लोगों ने सुना है, लाइसेंसिंग जो इसके लिए दी जाती थी वो पहले 10 ईयर थी, अब इसको बढ़ाकर 20 ईयर कर दी गई है और आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं जो ये सारी प्रक्रिया करता है? हमारी कंट्री में जो लगभग 500 मिलियन यूएसडी जो डॉलर है उनको यूज किया जाएगा सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवे बनाने के लिए। नेशनल हाईवे जो एक तरीके से बनाए जाएंगे कहां पर, कॉरिडोर, ये होंगे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये जो पैसा यहां पर निकल कर आ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हमारी कंट्री को पैसा दे रही है, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी अमीर नहीं है कि सारी चीजें हम लोग अपने आप कर सकें, वो एक अलग बात है कि हम लोग कई सारी ऐसी जगह खर्चा करते हैं कि एक बार को सोचने के लिए लगता है कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है, पर फिर भी हमको इस तरीके से उधार लेकर हम लोग काम करते हैं। तो इससे ये रहता है कि आसानी से हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट का काम है वो चलता रहता है और इसी के साथ में यहां लंबे समय बाद हम लोग को ये रिटर्न करना होता है, ठीक है? तो अगर अर्जेंटली कोई पैसा हमारे पास में उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। चाइना के साथ में एक एक्साइज है जिसका नाम है साहिन 9, ठीक है? तो ये साहिन जो 9 है यहां पर ये एक्साइज किसके साथ में है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है, ये आप लोगों को बताना है। और मालाबार एक्साइज जो है ये इंडिया ने होस्ट की अभी, ये आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जो परमानेंट इसका पार्ट बन चुकी है, और एक क्वेश्चन ये बनाइए कौन सी कंट्री के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा ये एक्साइज मिलकर स्टार्ट की गई थी जब बाकी की कंट्री नहीं थी। 4 कंट्री इतने तो आप लोगों को दिख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन के अंदर भी। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से एक्स्ट्रा पूछे हैं उनका आंसर आप लोगों को देना है, ये सारा इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे।
इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर अभी एक बैंक के साथ में एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, हिंदी में बोलो तो समझौता, ये अभी साइन किया गया, जिसमें जो मिलिट्री सैलरी पैकेज एक दिया जा रहा है, इसका नाम रखा गया इस बैंक के नाम के साथ में, ये बैंक का नाम यहां पर है और इसको मिलिट्री सैलरी पैकेज, अभी बैंक का नाम लिख देता, ठीक है, तो मिलिट्री सैलरी पैकेज है यहां पर, ये तो इसका नाम आप लोग को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफेंस के, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को जो बिजली मिलती है ना उसको बोला जा रहा है कि राइट्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले उनके राइट के बारे में बात की जा रही है। तो ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 है, तो इसके थ्रू यहां पर ये राइट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, जब आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कौन कैंट लिस्ट में आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसके बारे में भी न्यूज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। 1964 में यानी कि 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हमारी कंट्री में जो सिनेमा से रिलेटेड जो हेरिटेज होती है उनको ये एक्वायर करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, यानी कि जैसे आने वाली जनरेशन है ना वो भी इनके बारे में जान सके, जैसे कि हम लोग आजकल में जानते हैं चीजों के बारे में, तो आने वाली जनरेशन भी इन सब के बारे में जान सके, इसका बेसिक पर्पज ये होता है। बाकी जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डेली दो वीडियो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। एक तो ये आती है मॉर्निंग में वीडियो, जिसमें हम लोग ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और यहां पर आप लोगों को एडिटोरियल डिस्कस करने के मिलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो कि आप लोगों को एक अपग्रेडेड पर्सन बनाने का काम करता है, तो ये जरूर फॉलो कीजिए ताकि सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में जान सके। क्रिसमस तो सेलिब्रेशन हो गया, आइए अब आज का इंपॉर्टेंट डे से लेक्चर आगे लेकर चलते हैं। आज का जो दिन है हमारी कंट्री में वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदी में इसको सुशासन दिवस भी आप लोग बोलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुशासन दिवस हमारी कंट्री में किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो ये हमारी कंट्री के और भारत रत्न फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी कंट्री के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका जन्मदिन है 25 दिसंबर यानी कि आज के दिन, हम लोग इनके दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो ग्रेट लीडर थे, इसी के साथ में एक पोएट थे, इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक ह्यूमनिस्ट और स्टेटमेंट्स भी थे, तो इनके बारे में ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, पर लेकिन ये भारत रत्न भी थे। हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है भारत रत्न, वो इनको मिला था। ये जो भारत रत्न है हमारी कंट्री में 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, और टोटल मिलाकर आज की डेट में अगर आप लोग देखेगा तो गिने चुने पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। अगर इनकी लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले हमारी कंट्री में भारत रत्न किसको मिला था ये जरूर याद रखेगा, तो इधर सी राजगोपालचारी, और रिसेंटली अभी किसको दिया गया था ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी नानाजी देशमुख का नाम आप लोगों ने सुना, भूपेन हजारिका, और इसी के साथ में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इनसे पहले दिया गया था, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी कंट्री में भारत रत्न दिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में मिला था, और अभी रिसेंटली जो यहां पर 2019 में ये मिला था प्रणब मुखर्जी जी को, और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में मिला था, किसके साथ मिला था ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, एक साइंटिस्ट के साथ मिला था, ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों से पूछे ये डे कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कि हाँ ये डे हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, और तब से हम लोग इसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, यानी कि अच्छा सुशासन होना चाहिए जो जनता तक पहुंच सके। इंटरनेशनल न्यूज के साथ में आगे बढ़ते हैं, और बाकी पीपीटी कैसी लग रही है, जो आप लोगों को सामने नया पीपीटी का पैटर्न देखने को मिल रहा है ये कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताइए। एक दो बच्चा कलर को लेकर कुछ बात बोल रहा था, अगर आप लोगों को लगता है कि कलर में कोई दिक्कत है तो उसको जरूर बताइए, ठीक है, जो कि अगर किसी को लगता है कि प्रिंट आउट कराने में कोई दिक्कत होती है तो उसमें कलर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी बातें आप लोग बता सकते हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को फायदा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, तो जो भी आप लोगों को इसके अंदर दिक्कत होती है जो चीजें मैं कर सकता हूं, ठीक है, वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है अभी यहां पर ये, क्योंकि पुराना सॉफ्टवेयर था जो ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो अभी एक नया सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, ठीक है, तो काफी अच्छा खासा है। वन टाइम एक तो था, दो थ्री है, देखो मेरे माइंड में कई सारी चीजें चल रही थी जब मैंने खरीदा इसको सॉफ्टवेयर, जब खरीदा उस टाइम पर इसका ये था कि एक तो ये है कि इसको परमानेंट खरीद लो, परमानेंट खरीदने में ये लगभग मुझे लग रहा है 7,000 का था, पर लेकिन फिर परमानेंट में इतने सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, फिर इसमें था कि ईयरली आप लोग खरीद सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो है लगभग 5,500 का है ईयरली, यानी कि हर साल 5,500 रुपए इसके देने पड़ेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर एक कई तरीके की इंटरेस्टिंग पीपीटी आप लोगों के सामने बना सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये अब अच्छी अच्छी पीपीटी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो अभी एक दो दिन से आप लोगों के सामने आई है, तो ये सॉफ्टवेयर का कमाल है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोग कलर वगैरह में कोई भी आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कोई चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है,
तो ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के सामने एक प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन नजर आएगी। अगर फिर भी आप लोग कोई दिक्कत होती है तो उसको बताइए, जहां तक मेरे से होगा मैं उसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस तरीके से इसको चेंज किया गया ताकि अब आप लोगों को ये अच्छी लगे, क्योंकि जो चीजें देखने में पसंद आती है फिर सुनने में मजा आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, और बाकी तो आप लोगों को पता है फिर डायबिटीज होगी आप लोग, क्योंकि पढ़ाने में तो मीठा होता ही है पूरा, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, सिंगापुर है, सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, उसको हम लोग अभी मैप में देखेंगे। तो यहां पर एक हॉकर सेंटर करके है, यहां पर अलग अलग कंट्री की भी कल्चर आप लोगों को देखने को मिल जाती है, और मल्टी कल्चरल सेंटर इसको बोला जाता है एक तरीके से, जो कि कहां पर है, सिंगापुर के अंदर है। तो इसको अभी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इनटेंजिबल का मतलब आप लोग बोल सकते हैं जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई गीत है, कोई सॉन्ग है, कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जाकर आप लोग उसका पार्ट बन सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते हैं। डांस, कोई डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं पर आप लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है इनटेंजिबल, यानी कि दुनिया आती जाती रहेगी पर इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर लेकिन अगर कोई टेंजिबल बोले, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको बोल दिया तो ये टेंजिबल होगी, एक टाइम ऐसा होगा ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो इनटेंजिबल और टेंजिबल जिनके बारे में आप लोग याद रखेगा, यानी कि जो टाइम के साथ में खत्म होती चली जाती हैं वो हो गई टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब है कि दुनिया इधर की उधर जाती रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर सेंटर है सिंगापुर के अंदर में, यहां पर आप लोगों को अलग अलग कंट्री के खाने के पहनने के जो भी एक तरीके से डिफरेंट तरीके के जो आइटम्स है वो देखने को मिलते हैं, इसलिए मल्टी कल्चर एरियाज को बोला जाता है यहां पर। तो फूड वगैरह हो गए, जैसे कि मलेशियन, इंडियन ओरिजिन, अमंग अदर कंट्री की भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इनटेंजिबल जो कल्चर, जो ये हेरिटेज साइट है, ये बेसिकली जिसको टच नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक डेफिनेशन के तौर पर, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, कोई स्किल हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, कोई क्राफ्ट हो गया, तो ये इस तरीके की चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को कोई ऐसी चीजें लगती है जिसको लगता है कि ये खत्म होने वाली है, और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो एक तरीके से इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज साइट है यहां पर, ये अडॉप्ट किया गया 2013 में, इंडिया के द्वारा रेक्टिफाई किया गया इसको 2017 में। हमारी कंट्री में टोटल आज के में देखे तो 13 इंटेंजिबल जो हेरिटेज साइट है ये जो इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो यूनेस्को यहां पर ये इस तरीके की जो लिस्ट तैयार करती है, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे बोलते हैं अर्जेंट सेफगार्ड लिस्ट। रिप्रेजेंटेटिव तो वो होता है, देखिए इस तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, नाम से आप लोग देखते हैं कि वहां की कल्चर को रिप्रेजेंट करना या फिर वहां की जो भी हेरिटेज या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है उनको प्रस्तुत करना, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव। पर लेकिन अगर सेफगार्ड की बात करें, इसका मतलब यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है यहां पर, कुछ ना कुछ खत्म होने वाला है, तो उनके सेफगार्ड की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं आप लोग सेफगार्ड करने वाला। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो यहां पर इसको इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जो सेफगार्ड करने वाला है, क्योंकि हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, पता चला आगे चलकर ये खत्म हो जाए। रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से तो चलती रहेगी, रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो बातें हैं। तो इसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर के अंदर, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो जो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं ताकि सपोर्ट मिल सके, ये बेसिकली फोकस देखने को मिलता है। तो 5 ब्रॉड डोमेन है यहां पर, ओरल ट्रेडिशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, लैंग्वेज होगी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, इसी के साथ में सोशल प्रैक्टिस हो गई, रिचुअल हो गया, कोई फेस्टिवल या इवेंट हो गया, नॉलेज हो गई कोई इस तरीके से, ठीक है, नेचर हो गया कोई इस तरीके से, या जो यहां पर एक तरीके ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप होता है ये हो गया। तो एक तरीके से अगर आप लोगों को पूछ रहे हैं कि इंटेंजिबल क्या होता है, तो वो यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए अब आप लोगों को सिंगापुर लेकर चलता हूं, सिंगापुर की सैर पर चलते हैं, जो सुबह सुबह चल रहे हैं थोड़ा सा जर्सी वगैरह ले लेना अपना, स्वेटर वगैरह, सर्दी लगेगी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के सामने सिंगापुर। यहां पर सिंगापुर ये एक छोटा सा एक कंट्री है यहां पर, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है यहां पर, ठीक है। तो सिंगापुर स्टेट भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट दिख रहा होगा, अब यहां पर थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देखेंगे तो आसपास वाला एरिया भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, ताकि कभी फिर से घूमने आए तो हम लोग पहचान सके कि यहां पर हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर एक काफी इंपोर्टेंट एरिया जिसको बोलते हैं मलक्का स्टेट, इसको याद रखिएगा, यहीं से होता हुआ ये मलक्का स्टेट सिंगापुर से होता हुआ आप लोगों को यहां पर ले जाता है, ये इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो साउथ चाइना सी हो गया। तो साउथ चाइना सी से अगर इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार वाले एरिया में आना है तो मलक्का स्टेट से होते हुए यहां पर जाते हैं। तो इसलिए कई बार ये काफी इंपोर्टेंट पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये कि ये मलक्का स्टेट जो है, ये लगता है कल को अगर कोई गड़बड़ यहां पर हो जाए तो इसीलिए जो चाइना है वो अल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहा है, और इसीलिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया ताकि अरेबियन सी में से डायरेक्ट एंट्री यहां पर कर सके। तो ये इसका अल्टरनेटिव रूट है चाइना का, जो कि आप लोग याद रखिएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर सिंगापुर के बारे में कुछ बातें। चलिए बहुत हो गया घूमना, आइए वापस आते हैं और घर पे बता के निकला करो, पता चला गुम हो गए कहीं पर फिर बोलो कि सर लेके गए थे छोड़ के आगे वहीं पे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में।
छोड़ के नहीं आऊंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद में मैं तो यही रहूंगा, आप लोग जाएं या आप लोग, आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा आप लोग कहां जा रहे हैं। डायरेक्ट टू होम सर्विस के बारे में बात की जा रही है, जिसको डीटीएच बोलते हैं। डीटीएच के बारे में इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि पहले आज की डेट में एक आधा चैनल देखने को मिलता था, दूरदर्शन हो गया, वो सब चीजें। आज के डेट में दुनिया भर के चैनल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पर जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बताया था ना कि पहले चित्रहार आया करता था, एक मूवी आया करती थी फ्राइडे की शाम को, गांव में इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं करती थी, हम लोग बैटरी इकट्ठा किया करते थे। हमारे गांव में ना एक पर्टिकुलर एक बंदा था जो बैटरी सप्लाई किया करता था, यानी कि रात को ले जाओ 10-15-20 रुपए में, उस टाइम पे सर 10 रुपए में देता था या 5 रुपए में बैटरी, तो हम लोग लाकर उसको शाम को टीवी चलाकर मूवी देखा करते थे, सुबह को फिर उसको देखे आया करते थे, यानी कि वीक में एक मूवी आया करते थी। या जिसके घर पे ट्रैक्टर हुआ करते थे तो ट्रैक्टर पर लगाकर बैटरी उसको देख लिया करते थे, टीवी को वहां पर रखकर। तो ये सारी ऐसी ऐसी हरकतें की जाती थी, लेकिन आज के डेट में वो चीजें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। आज के डेट में आप लोगों को पता है एक रिमोट दबाओ दुनिया भर के चैनल 24 घंटे बिजली या इन्वर्टर होगा, वो सारी चीजें, तो उस टाइम पर वो अलग ही डायरेक्शन था। आज की डेट में एक अलग पैटर्न है यहाँ पर। तो अभी हमारी कंट्री में जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है, यहाँ पर एक तरीके से जो लाइसेंस वगैरह दिया जाता है इनको, जो भी यहाँ पर डीटीएच के माध्यम से डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लाइसेंसिंग जो प्रोवाइड कराने वाली सर्विस है, पहले यहाँ पर 10 साल हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 20 साल कर दिया है, यानी कि 10 साल आगे फिर ये लाइसेंस लेते घूमेंगे, तो लंबा एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन तक लाइसेंस देने की बात की जा रही है। तो इसको अब इसकी डेट में 20 साल एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसी के साल में उसके प्लस 10 ईयर और उसको एक्सटेंड किया जाएगा रिन्यू करने की बात जब आएगी। तो यहां पर तो वन टाइम नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 10,000 होगा, जो कि यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, जो यहां पर एक तरीके से जो चार्ज लगेगा उसकी बात आप लोग बोल सकते हैं। और ये सारे कार्यक्रम कौन करता है, ये सारे कार्यक्रम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो उसकी गाइडलाइन के अध्यक्षता में ये चीजें होती है। अगर आप लोग देखिए, आप लोग घर पर जो चैनल आते हैं तो आप लोग इसके यहां पर देखते हैं, ये यहाँ पर टेलीविजन सेंटर अर्थ स्टेशन, तो यहां से आप लोग जो डीटीएच प्रोवाइडर हैं उसके पास में यहां से सैटेलाइट के थ्रू आप लोगों तक जो चीजें पहुंचती हैं, फिर आप लोग के घर पे जो एंटीना लगा होता है, फिर आप लोग घर पर ये सेटअप बॉक्स होता है, इसके थ्रू होते हुए आप लोग टीवी पर ये सारी इस तरीके से चीजें पहुंचती है, यानी कि एक पूरे प्रोसेसर के थ्रू यहां पर ये चीजें पहुंचती है, पूरा एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जब हुआ उसके बाद में चलकर आप लोगों तक ये चीजें पहुंची है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बैठे बैठे चीजें हो जा रही है, तो पूरा एक सिस्टम है इसके पीछे, आप लोगों तक ये चैनल जो इस तरीके से पहुंचाए जाते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो चैनल है इसके बारे में कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से अच्छी चीजें कंट्री में आ रही हैं, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए एंजॉय कीजिए। आइए अब बात करते हैं स्टेट न्यूज के बारे में, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर सेंटर के साथ मिलकर। बेसिकली क्या किया जा रहा है, 500 मिलियन के प्रोजेक्ट अलग अलग राज्य में, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो अगर आप लोग इस राज्य में से किससे बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, अगर कोई स्टेट के न्यूज में आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं तो आप लोग स्टेट के एग्जाम में तो पूछी जा सकती है, सेंटर में भी वहां पर आप लोगों से न्यूज पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में भी अगर राज्य में आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस राज्य के अंदर आप लोग रहते हैं तो वहां के स्थायी सिटीजन होने के नाते, स्थायी मतलब वहां पर मूल निवास होने के नाते आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप लोगों के राज्य में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश हैं उनके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर ये। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि हमारी कंट्री में जो हाईवेज हैं उनको ग्रीन बनाया जा सके, तो इसके चलते यहां पर सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो ग्रीन नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर है यहां पर ये सपोर्ट करेगा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। 783 किलोमीटर जो हाईवे है वेरियस ज्योग्राफी में यहां पर ये देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो सेफ और ग्रीन हाईवे यहां पर खासकर लोकल और जो मार्जिनल मटेरियल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट और या इसके अलावा जो बायो इंजीनियरिंग जो सॉल्यूशन है वो भी यहां पर देखिए। आज के में अगर कुछ भी काम हम लोग करते हैं ना, तो अगर कोई लोकल कंटेंट उसमें मिल जाता है, लोकल एरिया अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो और अच्छा एक फंडा वहां पर देखने को मिल सकता है। तो वही एक तरीके का यहां पर आप लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, और इसी के साथ में जो कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस जो हाईवे है उसके ऊपर भी फोकस यहां पर किया जाएगा। तो 500 जो मिलियन यहां पर ये खर्च होने वाले हैं ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से निकलकर आने वाले हैं, जिसको IBRD आप लोग बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ये जो मैच्योरिटी इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 18.5 साल, यानी कि इसको जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो 18.5 साल में रिटर्न करेंगे, और अगर तब भी रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो 5 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, यानी कि 5 साल प्लस 18.5 प्लस 5 साल, यानी कि 23.5 साल में यहां पर इसको रिटर्न हम लोग करेंगे। तो ये इसके बाद में यहां पर कोई प्रॉब्लम होनी पड़ेगी, इससे पहले कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी।
तो कहने का मतलब यहां पर यह कि लंबे समय तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसी से जो फंड लिया जाता है ये लंबे समय पर और काफी लो इंटरेस्ट पर हम लोग को ये पैसा मिलता है ताकि डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये इस बेसिक पर्पज ये होता है कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। तो जो ग्रीन हाईवे और क्लीन हाईवे हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक तरीके से एक नारा भी है उसके तहत यहां पर ये सारे काम किए जाएंगे। 1% ऑफ टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ऑल हाईवेज यहां पर एक तरीके से आज के में अगर आप लोग देखें वो यहां पर जो प्लांटेशन है और जो मेंटेनेंस में जाती है और उसको देने की कोशिश की जाती है ताकि उनको मेंटेन रखा जा सके। आज सड़क बनाई कल को टूट गई कोई फायदा थोड़ी ना है उस चीज का, तो ताकि कंटिन्यूअसली चीजें चल सके तो वो ज्यादा फायदेमंद है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की कोशिश की जाती है। आइए अब आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करता हूं और रिलेशन भी हमारे दो पड़ोसी देश लंगोटिया यार पाकिस्तान और चाइना के बारे में। पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं साहिन 9, ये है यहां पर IX यानी कि 9 एक्साइज है यहां पर किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, और ये एक तरीके की ज्वाइंट एयर एक्साइज है। तो आप लोगों से पूछे कोई ज्वाइंट एयर एक्साइज साहिन ये किस किस के बीच में है यहां पर, तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये एक्साइज आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री जो है आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के दो सबसे बड़े जो दोस्त हैं वो है चाइना और पाकिस्तान। अगर हम लोग कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले इनकी तरफ से नाक नुक्से वहां पर सिकोड़े जाते हैं। हमारी कंट्री की मालाबार एक्साइज है, ये मालाबार एक्साइज इंडिया और जो यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी 1992 में स्टार्ट की गई। आगे चलकर इसमें जापान जुड़ गया 2015 में परमानेंट मेंबर, और अब की बार 2020 में इसमें परमानेंट मेंबर जो जुड़ा है वो जुड़ गया ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि जो पूरा क्वाड ग्रुप है जिसमें चार कंट्री आती है यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया, तो ये चारों की चारों आज के दिन में मालाबार एक्साइज का पार्ट यहां पर बन चुकी हैं। मालाबार एक्साइज एक नेवल एक्साइज है, तो चाइना ने इसके बारे में पहले बोला था कि ये एक तरीके से हमारे एक तरीके से हमको घेरने की कोशिश की जा रही है इन कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि इनमें से कई सारी कंट्री ऐसी जिसकी चाइना के साथ में बनती नहीं है। अब अपनी जो एक्साइज है जो साहिन एक्स यानी कि ये IX यानी कि 9th एक्साइज है, इसको अब डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा कि भैया हम तो ये एक्साइज जो है ये रूटीन एक्साइज है, इसी तरीके से हमारी चलती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो ये ऐसी बातें बोली जा रही है। एयरफोर्स ऑफ चाइना और पाकिस्तान जो है ये एनुअल एक्साइज है साहिन 9, ये 9 दिसंबर से आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो सिंध प्रोविंस है खासकर जो नियर इंडियन बॉर्डर, तो वहां पर ये एक्साइज देखने को मिली, तो इसके चलते यहां पर ये जो देखने को मिल रही है तो इसके चलते ये न्यूज में आ गई है। तो इंडिया जो है इसी तरीके से यहां पर मालाबार एक्साइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे बीच में मालाबार एक्साइज आती है। तो इसी के चलते यहां पर बेसिकली अगर हम लोग कोई एक्साइज करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो कोई एक्साइज करते हैं तो हमको दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के एक त्रिवायलर है, एक तरीके से एक दूसरे को एक वो नहीं कहते कि एक पैट्रे एक तरीके से अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी टेंडेंसी वो नहीं है, हमारी कंट्री चाहती है कि एशिया आगे चले, पर चाइना चाहता है कि चाइना आगे चले तो एशिया आगे चले, यानी कि वो ऐसा नहीं चाहता है कि सब मिलकर बढ़े, तो वो वाला फंडा यहां पर थोड़ा सा माहौल क्रिएट करके रखता है। तो चाइना की जो मीडिया है मालाबार एक्साइज को हमेशा गलत तरीके से देखती है और बोलते हैं कि ये चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाइना को कॉर्नर में करने की कोशिश की जा रही है, वो वाली सारी बातें बोली जाती हैं। पर लेकिन वही बात है, तुम करो तो एक तरीके सही काम है और हम करें तो गलत काम है, ठीक है, यानी कि वही नहीं है गाना, नहीं है तुम करो तो रासलीला हम करें तो कैरेक्टर ढीला, काइंड ऑफ था ना गाना था वो कौन सा था, तो वही बातें यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि तुम करो तो अच्छा और हम करें तो गलत है। तो मालाबार एक्साइज भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक एक्साइज है इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में, और बाकी जो ये अभी एक्साइज बताई साइन इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो हल्का सा ओवरव्यू जरूर रखना। डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में न्यूज और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है हमारी कंट्री में जो आर्मी के लिए एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ में यहां पर एक पैकेज लेके आया, जिसको बोला गया यहां पर बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, ठीक है, तो BMSP, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसको बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज का नाम आप लोग हिंदी में दे सकते हैं। तो बड़ौदा कौन है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहां पर मिलकर काम कर रहा है हमारी कंट्री की इंडियन आर्मी के साथ में। तो एक तरीका समझौता है दोनों के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें यहां पर कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ये जो हमारी कंट्री के आर्मी पर्सनल है उनको। तो MOU जो है यहां पर ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो सर्विंग और जो रिटायर पर्सनल है, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी फैसिलिटी है यहां पर, ये जो यहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराई जानी है जो सर्विस है यहां पर, ये बैंक ये यहां पर बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज जो है ऑफर किया जा रहा है।
तो यहाँ पर जो तो ये एक तरीके सर्विंग जो रहेगी, ये जो सर्विंग ये एक तरीके जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, जो सर्विंग आजकल में इनके जो जॉब करें जो रिटायर है पर्सनल दोनों के लिए पहले तो इंपॉर्टेंट बात ही है। इसके चलते ये लगभग जो एक तरीके से जो बैंक नेटवर्क है लगभग 8,200 जो डोमेस्टिक ब्रांच है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की, उनमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। इसी के साथ में 20,000 के करीब जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है, ठीक है, जिनको बीसीएस बोला जाता है, जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंस यहाँ पर अपना एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस कौन होते हैं आज के में, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो एक बैंक है वहां पर उसकी ब्रांच नहीं है इस पर्टिकुलर गांव के अंदर में, तो इस पर्टिकुलर गांव में इसके जो सहायक कर्मी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें क्या क्या ये कवर करने वाले हैं, तो फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है, अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। इसके साथ में यहां पर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर भी यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है, हाई एजुकेशन कवर यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गर्ल चाइल्ड जो है उसकी मैरिज के बारे में बात की जा रही है, ऑन द डेथ ऑफ सर्विंग पर्सन, यानी कि अगर जो पर्सन है आर्मी में अगर वो शहीद हो जाता है किसी रीजन की वजह से यहां पर, इसके चलते जो उसकी जो लड़की है उसके लिए यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। अनलिमिटेड जो फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आज के डेट में दूसरे एटीएम से अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड रहते हैं कि 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा करोगे तो फिर आप लोगों को कोई कॉस्ट देना पड़ेगा, पर यहां पर ये फैसिलिटी अनलिमिटेड तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो वेरियस सर्विस चार्ज होते हैं जो लोन पर, जैसे कि आज के डेट में देखने को मिलते हैं कई तरीके के, तो वो भी यहां पर एक तरह से वेव किया जाएगा, कंसेशन देखने को मिलेगा अगर लोन यहां पर लेते हैं तो। आरटीजीएस और जो एनएफटी है यहां पर वो फ्री यहां पर रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, फ्री डिमांड ड्राफ्ट बैंकिंग चेक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ डिस्काउंट होगा लोकर अगर रेंट पे यहां पर लिया जाता है, एडिशनल बेनिफिट भी यहां पर देखने को मिलेंगे जो कार्ड वगैरह अगर यूज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री के जो आर्मी पर्सनल है उनकी हेल्प करने के लिए, अगर कोई बैंक ऐसे सामने निकलकर आ रहा है तो जिसके घर में भी आर्मी पर्सनल है वो भी अपने अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं, और इसी के साथ में जो ऑलरेडी यहां पर जिनके अकाउंट है वो इनका फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो यह है एक अवेयरनेस का पॉइंट, और डिफेंस के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो मोटिवेशन भी है कि हाँ बैंक भी इतनी फैसिलिटी आप लोगों को दे रहा है, तो यह एक तरीके से अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। बाकी अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से एग्जाम में क्वेश्चन बने तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज अगली देखते हैं हम लोग, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री में जो आज के में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके द्वारा पहली बार ऐसी बात की गई है, आप लोगों ने राइट टू फूड के बारे में बात सुनी है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात सुनी है, अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का राइट दिया जा रहा है बेसिकली, तो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली कंज्यूमर, ये यहां पर एक पर्टिकुलर रूल आ गया 2020 में, इसके चलते जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का हक रहेगा उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि ताकि आज के में देखिए मैक्सिमम आज के में लोगों के पास में फोन है, ऑनलाइन एजुकेशन देखने को मिल रही है, सारी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते हैं, इनका सबका बेस क्या है, ये सारी ऑनलाइन चीजें चल कैसे रही हैं, तो बेस है यहां पर कोर चीज है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना तो सारे फोन जो है वो डब्बे बन जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बेसिक चीज है जो कि होना जरूरी है, तो इसी के चलते जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे रिलेटेड यहां पर रूल आया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे संविधान में जो 7वां शेड्यूल है ना इसमें 3 लिस्ट है जिसको आप लोग सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, यानी कि इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं उसमें अगर लॉ बनाना है तो यहां पर पर्टिकुलर एक हक है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर ये यहां पर रूल बना सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, ठीक है। हेल्थ कहां पर आती है आप लोगों को बताना है, हेल्थ कहां पर आती है ये मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, और एजुकेशन कहां पर आती है ये भी आप लोगों को बताना है, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा हेल्थ और एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आते हैं ये आप लोग बताइएगा। कंज्यूमर अक्रॉस द कंट्री आज के में राइट रहेगा उनके पास में कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो सर्विस सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का उनको देखने को मिलेगा, यानी कि कम से कम यार इतना तो आप लोगों को यहां पर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके राइट होगा उनके पास में कि मिनिमम स्टैंडर्ड कम से कम इतना मिलना चाहिए, क्या बाकी आप लोग 24 घंटे ना तो कम से कम इतना तो दो यार, कम से कम बेसिक चीजें चलती रहे, लोगों के फोन चार्ज हो जाए जिनको गांव में घास काटना है अपना एक तरीके से वो घास काट सके, या फिर जो भी चीजें हैं एक तरीके से जो बेसिक चीजें हैं वो कम से कम यहां पर मिल सके। तो मिनिमम स्टैंडर्ड सर्विस अंडर द रूल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो यहां पर डिस्कॉम जो बेसिकली नहीं होते हैं, जो कंपनीज होती हैं स्टेट के अंदर में जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो वो यहां पर एक तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन रख के चलेंगी। और एक टर्म यहां पर यूज की जा रही है जो आप लोग देखते हैं डिस्कॉम, तो डिस्कॉम के बारे में याद रखिएगा यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उज्ज्वला डिस्कॉम के बारे में जिसको उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के बारे में सुना था ना, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, मैं कोई क्वेश्चन पेपर देख रहा था एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे कौन से राज्य का था, तो किस ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जो उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है।
और एक और बात, कई सारे बच्चे, ये मैंने कल भी देख रहा था कई सारे कमेंट, कुछ बच्चे ऐसे जो नए नए जुड़ते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि लिखना कि आप लोग नए जुड़े हैं तो न्यू मेंबर हैं, ठीक है, तो एक कई सारे बच्चे जो न्यू मेंबर जुड़ते हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता हूँ, तो जैसे आप लोग यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है आप लोगों के पास में, आप लोग मेरी जो वॉइस है उसको बढ़ाकर देख सकते हैं, बढ़ाकर तो नहीं देखेंगे नॉर्मल सी बात है, उसको आप लोग घटाकर भी देख सकते हैं, यानी कि आप लोग जितना आराम आराम से चाहें लेक्चर को सुन सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो ये फैसिलिटी यूट्यूब देता है, आप लोग जाकर देखेगा, अगर नहीं मिल पा रही है तो बताइएगा, एक बार मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर बता दूंगा कैसे आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चेंज कर लीजिएगा, वहां पे नॉर्मल रहता है, या आप लोग इसको डेढ़ गुना या फिर दो गुना तक भी स्पीड में सुनना चाहते हैं या फिर उससे कम में करना चाहते हैं तो सारी फैसिलिटी है, ठीक है, तो लेक्चर तो मुझे अपने नेचर में पढ़ाने दीजिए आप लोग, बाकी आप लोग थोड़ा सा जब आप लोगों के पास फैसिलिटी है तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, और कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसको रोक कर फिर से रिपीट कर सुन सकते हैं, आप लोग लेक्चर को कई बार सुन सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई लिमिटेशन यहां पर लगा रखी है कि बस एक बार ही है, उसके बाद में आप लोगों को फिर चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है, दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार शेयर करो, जितनी बार सुनना उतनी बार सुनो यार, तो इस तरीके से आप लोगों के पास में सारी फैसिलिटी है, तो इसलिए एंजॉय मत किया करो चीजों को, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, टेंशन लेने के लिए और भी बहुत दुनिया खाली पड़ी है, आप लोग एंजॉय करो, तो राइट ऑफ द कंज्यूमर, और जो भी ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस या फिर रिलीज करना है न्यू कनेक्शन या मॉडिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग कनेक्शन में, मीटरिंग अरेंजमेंट या बिलिंग और पेमेंट सिस्टम, तो ये सारी चीजों पर भी फोकस देकर यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि बेसिक ये है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों को बोले कि ये गांव जो है ये 100% इलेक्ट्रीफाइड है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी कंट्री में, तो डेफिनेशन ये कि 10% अगर गांव के लोगों के पास में कनेक्शन है और वहां पर अगर कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है या फिर वहां पर पंचायत घर है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये कि यहां पर इस पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में आ जाएगा। ये डेफिनेशन ये बड़ी एक घटिया डेफिनेशन मुझे लगती है, इस तरीके से बिल्कुल ऐसी है, अगर आप लोगों के पास में अपना नाम लिखना आता है, साइन करना आता है, तो इसका मतलब यह कि आप लोग नाम लिखना पढ़ना और साइन करना आता है, इसका मतलब यह कि आप लोग लिटरेट हैं। ये कौन सी डेफिनेशन हो गई यार, ये डेफिनेशन होती है इसी लिटरेसी की डेफिनेशन की वजह से आज के में जो कंडीशन है हमारी कंट्री को अपने दिखाता है ना कि हमारी कंट्री में लिटरेट आदमी इतने हो गए हैं, तो ये एक तरीके से जो लिटरेशन है और ढंग से अगर आप लोग देखोगे वो ढंग से मिलेगा नहीं। सबसे पहले तो जो लिटरेसी की डेफिनेशन के आगे कुछ करे चाहे ना करें, कम से कम ग्रेजुएशन आप लोगों को लगा देना चाहिए हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक चपरासी बनने के लिए आज के डेट में इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर देश चलाने के लिए, रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए, पार्लियामेंट में बैठने के लिए कोई पढ़े लिखे की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हालांकि कई बार बोल देते हैं कि देखो ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक साइड में अकबर था, एक साइड में मोहम्मद बिन तुगलक था, तो यानी कि अकबर को पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ बोला जाता था और अकबर को बिना पढ़ा लिखा समझदार बोला जाता था, तो वही चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पर लेकिन फिर भी एक बेसिक क्राइटेरिया नाम की भी कोई चीज होती है, तो वही चीज है कि जो 10% वाला जो क्राइटेरिया ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में जाना था, मैंने कहा बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, सबके घर में बिजली पहुंच गई, पता चला 10% घर के घर में बिजली ओनली, तो ये कौन सा तरीका है। और हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कभी बोलने लगो ये पहले से ही चली हुई चीज आ रही है, ठीक है, ये अलग बात है कि इन्होंने भी चेंज नहीं किए, तो ये एक तरीके से वही कि जो चल रहा है उसको चलने दो जैसा चल रहा है, क्यों फालतू में टेंशन लेनी। आइए आगे चलते हैं, बात की जा रही है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको MRSAM के नाम से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये जो MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यानी कि धरती से आसमान में छोड़ी जाएगी ये मिसाइल, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अभी मेजर एक माइलस्टोन यहां पर अचीव किया गया, यानी कि मेजर एक उपलब्धि आप लोग इसको बोल सकते हैं। कहां से देखने को मिली, तो ये उड़ीसा में, जो हमारी कंट्री में उड़ीसा में कोस्ट चंदीपुर, जिसको आप लोग ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर के नाम से जानते हैं, तो ये यहां पर छोड़ी गई और इसका आर्मी वर्जन है, यानी कि ये जो वर्जन है ना, इसका मतलब ये कि आर्मी के लिए यहां पर ये तैयार की जा रही है। देखिए आप लोग ये सोचेंगे कि ये क्या होता है, आर्मी वर्जन हो गया, नेवी वर्जन हो गया, एयरफोर्स वर्जन हो गया, ये क्या होता है, तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है, अगर आर्मी कोई मिसाइल यूज करिए तो क्या करेगी, तो धरती में से कहीं पर छोड़ा जाएगा, अगर कोई उसको एयरफोर्स यूज करेगी तो कहां पर से छोड़ेगी उसको, हवाई जहाज जो होगा उससे उसको छोड़ा जाएगा, अगर कोई नेवी यूज करेगी तो कहां से छोड़ेगी, तो पानी के जहाज से छोड़ा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से मिसाइल बनाना जरूरी है, क्योंकि जब कोई मिसाइल उड़ेगी तो एक तरीके से उन्हें होगा पीछे झटका देकर उड़ेगी, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगर हवाई जहाज उड़ रहा है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगर पानी का जहाज है, तो इसलिए अलग अलग वर्जन तैयार किए जाते हैं सबके लिए, तो यहां पर ये इसका आर्मी वाला वर्जन है, ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, ओके। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये जो मिसाइल है, ये एक तरीके से जो मिसाइल हमारी कंट्री बनाएगी, हाई स्पीड अनमैंड एयर टारगेट, जो बेसिकली एक तरीके से आवाज जो देखने को मिलेगी, ये नहीं होता कि एक तरीके से डायरेक्ट हिट वाली। देखिए कई सारी एक तो ऐसी मिसाइल आती हैं, ये फायर एंड फॉरगेट, यानी कि आप लोग वो देखो, आप लोगों ने देखा होगा गोविंदा की और सलमान खान की कोई मूवी थी, उसमें नहीं मिसाइल रहती है, गो बेबी गो, अगर ऐसा बोल दोगे तो मिसाइल निकल के चली जाएगी, तो एक बार उसको बोल दो तो वो उस टारगेट को हिट कर ही छोड़ेगी।
तो इस तरीके की मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक तरीके की मिमिक है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट की एक तरीके से, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट होता है तो उस तरीके की मिमिक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सरफेस टू जो एयर मिसाइल है यहाँ पर, ये डेवलप की गई ज्वाइंटली डीआरडीओ इंडिया IAI इसराइल जो फॉर यूज ऑफ द इंडियन मिलिट्री। तो हमारी कंट्री के लिए काफी सारे ऐसे वेपन है जो कि आजकल में इसराइल के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है यहां पर, ये कमांड पोस्ट मल्टी जो फंक्शनल रडार और मोबाइल लॉन्चर, तो ये सारा सिस्टम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर देखने को मिलता है, जिसके तहत यहां पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये थोड़ी सी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती है। और ये टारगेट आप लोगों को याद है ना कि आप लोगों को ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो इसके बाद में कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आखिर क्या था यहां पर, ये एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, टारगेट वगैरह क्यों दे रहे हो आप लोग। आप लोग ये सोचिए, मैंने कोई वीडियो बनानी स्टार्ट करी, वो वीडियो टोटल मिलाकर 5000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, और मैंने कोई दूसरी वीडियो बनाई, वो वीडियो टोटल मिलाकर 10,000 से 15,000 लोग देख रहे हैं, तो किससे ज्यादा लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, ये जो पहले वाली वीडियो बनाई है या फिर दूसरे वाली वीडियो बनाई है। जैसे मैं कोई वीडियो नहीं स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग में उसका टूट कर पड़ते हैं, स्टार्टिंग में उस पर 20,000 लोग देखते हैं, फिर आप लोगों की टेंडेंसी होती है कि आप लोग ना एक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, एक दिन देख लिया दूसरे दिन नहीं देखा, किसी दिन ऐसा होता है आप लोग, तो मान लीजिए आज आपका मन नहीं है, आप लोगों ने छुट्टी मार दी, पर मेरा तो ऐसा नहीं रहता है ना, मैं तो अगर कोई वीडियो लेकर आ रहा हूं ना, रेगुलर लेकर आ रहा हूं ना, तो आप लोग ये सोचिए अगर जिस तरीके से आप लोग बीच बीच में छुट्टी मार देते हैं कि आज वीडियो नहीं देखी है, क्या जा रहा है कोई काम पड़ गया, क्या मेरी लाइफ में कोई काम नहीं पड़ते हैं, मुझे भी तो कुछ काम होते होंगे ना, मैं उस वीडियो को रेगुलर लेके आता हूं, तो अगर उस वीडियो को, अगर वो वीडियो 15,000 से 20,000 या फिर ज्यादा लोग देख रहे हैं, वो ज्यादा फायदेमंद है, या फिर कोई वीडियो ऐसी लेकर आ रहा हूं जिसको 3,000-4,000 लोग देख रहे हैं, तो मेरा पर्पज बेसिकली है कि अगर 5,000 लोग इस वीडियो के लिए मॉर्निंग में उठ सकते हैं, तो कम से कम ये 5,000 लोग तो उस MCQ वाली वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे ही देखेंगे। तो मेरा पर्पज ये है कि मैं आप लोगों के अंदर डेडिकेशन देखना चाह रहा हूं कि कितना डेडिकेशन है उस वीडियो के लेकर कि आप लोग उसको लाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग वो डेडिकेशन मुझे दिखा देते हैं तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा 3-3 वीडियो इस तरीके की PPT के साथ में इतनी अच्छी इसको प्रेजेंट करना, वो सारी चीजें करना, तो मेरे लिए काफी बर्डन हो जाते हैं। पर लेकिन फिर भी 4-5 महीने की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा तो सारा बर्डन अच्छा लगेगा, एक अच्छा फील होगा कि हाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो ये बेसिक पर्पज है, पर्पज ये नहीं कि एक बच्चे को फायदा, हाँ वो बिल्कुल सही है कि एक बच्चे को फायदा हो, पर लेकिन अगर एक को फायदा हो रहा है, मैं अगर वही बात होती तो मैं कहीं पर बैठा होता है किसी सिटी में और बैठकर 15-20 बच्चों को पढ़ा रहा होता, बस मैंने कहा इन्हीं का बस फायदा करना है मुझे, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि कम बच्चों का फायदा करना है। तो जितने ज्यादा का फायदा होगा, बेसिकली इसलिए मैं ऑनलाइन मीडियम में बैठा हूं, वरना पैसे छापने के लिए तो ऑफलाइन में जाके बैठूंगा ना आराम से। तो बेसिक पर्पज यहां पर ये नहीं है कि एक बच्चे का फायदा होगा, दो बच्चे का फायदा होगा, बेसिक पर्पज ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर फायदा हो तो जब मजा है इस काम को करने में, ठीक है। तो यहां पर अगर 5,000 अगर आप लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं, लाइव वीडियो को अगर देखते हैं, उसी दिन वो वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, तो उसको आप लोग देखिए कितने जल्दी आप लोग अचीव कर पाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर कई सारी फिल्म जो मीडिया यूनिट है उनको मर्ज करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो मीडिया से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है। तो मर्जर ऑफ द फिल्म जो मीडिया यूनिट है उनके बारे में यहां पर बात करते हैं, तो जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके बीच में से भी आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पर फिल्म जो मीडिया जो यूनिट है उसके बारे में अगर बात करें, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी मर्जर किया गया यहां पर 5 फिल्म मीडिया, तो यहां पर जिनका नाम है फिल्म डिवीजन, इसी के साथ में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म जो यहां पर फेस्टिवल है, नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है, जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी है इंडिया, तो यहां पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इनको मर्ज करने की बात की जा रही है। तो यहां पर इंडिया विद द नेशनल फिल्म जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सारे मिलकर यहां पर काम करेंगे, ताकि एक वो नहीं कहते हैं कि देखिए एक ऐसी चीज होगी, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आज के डेट में अगर आप लोग कुछ खरीदने जाना है तो आप लोगों को इस दुकान पे से ये लेके आना है, उस दुकान पे से लाना है, इधर से, पर मैं बोल दूं मॉल में चले जाना, सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी, तो उस तरीके से यहां पर चीजें हैं। तो यहां पर मर्जर ऑफ द फिल्म मीडिया जो यूनिट है अंदर 1 कॉरपोरेशन, ये बेसिकली फोकस है, ताकि एक तरीके से जो एक्टिविटी है, जो रिसोर्सेज है, वो भी बेटर तरीके से होंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिनर्जी और इफिशियंसी यहां पर देखने को मिलेगी मीडिया के अंदर, तो ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आएंगी। तो इनके बारे में अलग अलग थोड़ा जान लेते हैं। जो फिल्म डिवीजन है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है, ये आता है और 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। क्या काम था इसका? काम था कि जो भी एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट्री है उनको एक तरीके से प्रोड्यूस करना, और नेक्स्ट जो न्यूज मैगजीन है यहां पर फिल्म से रिलेटेड उसको प्रस्तुत करना। तो ये बेसिकली था रिकॉर्ड को यहां पर इकट्ठे रखना, खासकर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है यहां पर, ये सिनेमा की। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है चिल्ड्रंस
फिल्म सोसाइटी इंडिया। तो एक तरीके की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1955 में बनाई गई थी, और इसी के साथ में यहां पर इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यह है ताकि जो बच्चे हैं या फिर जो यंग पीपल हैं उनके एंटरटेनमेंट को एक ढंग के तरीके से उनके सामने प्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, ताकि जो बच्चों से रिलेटेड कई बार पोर्नोग्राफी आप लोगों को देखने को मिलती है, ये भी गलत तरीके के जो कंटेंट सोसाइटी में फैलाए जाते हैं तो ये गलत इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है, 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि किस तरीके से एक्वायर करना है और प्रिजर्व करना है जो सिनेमेटिक जो हेरिटेज है उसको। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और 1973 में इसको बनाया गया था जो कि फिल्म कल्चर एक्सचेंज के बारे में बात करता है। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखिएगा कोई ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इनको लाया जाए तो ढंग से काम किया जा सकता है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यहां पर अलग अलग न होकर एक जगह इकट्ठा कर दिया जा रहा है। तो इसी के साथ में जो नेशनल फिल्म डिवीजन है आपा सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये यहां पर 1975 में यहां पर बेसिकली ये यहां पर बनाए जा रहे हैं, इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है ताकि आगे चलकर प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया जा सके, एफिशिएंटली वर्क किया जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके प्रॉपर वे में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते एक और अप्रूवल है यहां पर जिसमें देखिए जो भी यहां पर एसेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी यहां पर एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे कैसे एडवाइस होनी चाहिए, लीगल एडवाइजर, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। मुंबई को आज के डेट में एक मेन फिल्म सिटी के तरीके से देखते हैं तो अभी हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा एरिया जहां पर फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है योगी जी अभी मुंबई घूमने गए तो उनको लगा कि यार हमारी एक तरीके से राज्य के अंदर भी इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो योगी जी ने किस पर्टिकुलर सिटी में अभी फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, इतना एक आप लोगों को एक तरीके से हिंट दे देता हूं, शायद ये एनसीआर के आसपास वाला रीजन है, बताइए कहां पर है। और अगर नाम की उसकी बात करें तो स्टार्ट भी उसका एन से ही होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग हिंट है आप लोगों के लिए, आई होप कि अब आप लोग आंसर इसका दे पाएंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात कर रही है। हमारी कंट्री में सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है ये जो बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC, जो यहां पर जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके बच्चों के लिए यहां पर ये एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है जो कि बात की जा रही है कि 4 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो बच्चे आते हैं निकलकर उनको जो उनकी जो 10th कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनको आगे अगर हायर जो एजुकेशन के लिए जाना है तो उसके लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि 10th स्टैंडर्ड अगर पास आप लोग कर लेते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में हायर एजुकेशन में यहां पर जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं उनको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो खासकर वो बच्चे जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो जानते हैं कोई यार दोस्त जो आसपास में कोई रहने वाला है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता है तो उनको इस स्कीम के बारे में आप लोग जरूर बताएगा ताकि उनके बच्चे को पढ़ाकर आगे ले जाया जा सके। तो ऑनलाइन यहां पर ये प्लेटफॉर्म है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहां पर एक तरीके से प्रॉपर एक कोई भी दुर्घटना देखने को मिलेगी, यानी एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी एक प्रॉपर देखने को मिलेगी, रोबस्ट सिक्योरिटी। तो इसके चलते यहां पर 59,000 करोड़ रुपए यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोग बोल सकते हैं और आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगी कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन में एक इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं इसको। इसी के साथ में अगर जैसे कि आप लोग EPFO की तैयारी कर रहे हैं किसी दूसरे एग्जाम की, जैसे कि RBI वगैरह की आप लोग तैयारी करते हैं तो जहां पर डायरेक्ट सोसाइटी से रिलेटेड या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इस स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है यहां पर जो स्टेट है वो क्या करेंगे, फुल प्रूफ वेरिफिकेशन करेंगे बच्चे का जो एलिजिबल है यहां पर, उसकी कास्ट वगैरह, आधार ऑथेंटिक जो आधार आइडेंटिफिकेशन, बैंक अकाउंट, वो सारी चीजें वो सब चेक किया जाएगा। फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है यहां पर बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लगभग 60% दिया जाएगा यहां पर, ठीक है, और बाकी का 40% उस राज्य के द्वारा दिया जाएगा जिस राज्य में इंप्लीमेंट की जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, आधार कार्ड इनेबल जो आप लोगों का अकाउंट है उसमें यहां पर ये पैसा सेंड किया जाएगा। ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी ऐसे नहीं है कि बस दे दिया और भूल गए, ठीक है, प्रॉपर वे में चेक किया जाएगा कि जिस पर्सन के पास में पैसा जा रहा है वो सही पर्सन है, सही तरीके से उसका यूज हो रहा है या फिर पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा है यहां पर कहीं, तो वो भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन को पुश करने के लिए यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट जो यहां पर निकल कर आ रही है, ये याद रखिएगा, जिसको PMSSC के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो कैबिनेट का जो डिसीजन है 23 दिसंबर को यहां पर ये सामने निकल कर आई, सोशल जस्टिस जो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर ये चीजें सामने निकल कर लाई गई हैं, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हो।
एक ये क्वेश्चन भी है, आप लोगों को हो सकता है इससे कुछ फायदा देखने को मिले। कई सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके, मैं पहले भी दो तीन बार पढ़ चुका हूं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो एक शेड्यूल कास्ट से निकलकर यानी कि लोअर कास्ट से निकलकर आते थे और फिर भी वो यहां पर बाहर एडुकेशन लेने के लिए कैसे चले गए। पहला तो ये है कि हाँ इस तरीके से उस टाइम पर तो वैसे भी सप्रेस किया जाता था, कास्ट बेस काफी ज्यादा सप्रेशन सोसाइटी में देखने को मिलता था। तो देखिए अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट है ना, अगर पढ़ने में पूरा एक तरीके से जो वो नहीं कहता कि कुछ नहीं देखता है बस पढ़ाई करनी है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसे रास्ते खुल ही जाते हैं। तो यहां पर इनको स्कॉलरशिप मिली और उसके चलते फिर ये स्कॉलरशिप के बल पर ये बाहर पढ़ने गए। तो स्कॉलरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनके एजुकेशन सिस्टम को, जिसके चलते फॉरेन में गए। इनकी फैमिली ऐसी नहीं थी कि इनको फॉरेन में पढ़ा सके। तो पहला तो क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट है, हमारे संविधान को कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उधार लिया हुआ संविधान बोला जाता है, पर लेकिन देखिए आज की डेट में अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना वो कुछ सीखकर आगे बढ़ रहा है, उसको आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली चीजें वहां से उठा ली हैं। और अगर किसी कंट्री के संविधान से हम लोगों ने कुछ लिया है, यूएसए से कुछ लिया है, या फिर जैसे हम लोगों ने किसी जर्मनी से कुछ लिया है, या साउथ अफ्रीका से, या फिर किसी और कंट्री से हम लोगों ने, जहां जहां से भी हम लोगों ने कुछ कुछ अपने जो संविधान में इंक्लूड किया है, कनाडा से हम लोगों ने कुछ उठाया, जिस भी कंट्री से हम लोगों ने जो जो भी अपनी कंट्री में इंक्लूड किया है, वो सारी चीजें हम लोगों ने उस बेस पे इंक्लूड किया जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर उठाकर फेंक दिया उसको, हम लोगों ने उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया, अपने हिसाब से उसको चेंज किया है। तो आप लोग इसको एक तरीके से बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन न बोलकर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि एक चीजें समझकर चीजों को अंडरस्टैंड करकर हम लोगों ने वहां से चीजें उठाई है, ना कि कॉपी पेस्ट किया यहां पर। तो कॉपी पेस्ट बोलना ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी के लिए फिट हो सकता है वो चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में इंक्लूड की है। ऐसा नहीं है कि वहां से उठाकर बस चोरी करके अपना संविधान बना दिया है, तो ये गलत है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मत देखें, और अगर कोई चीज आप लोगों को लगती है अंडरस्टैंड नहीं आ पा रही आप लोगों, सर्च कीजिए उसके बारे में, पढ़िए जानिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट का फायदा किस लिए होगा, व्हाट्सएप चलाने के लिए थोड़ी ना ओनली, या फिर टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पर बैठकर, तो इन चीजों के लिए नहीं है। थोड़ा सा उसको ढंग से यूटिलाइज भी कीजिए, जहां भी कोई डाउट होता है तुरंत उसको सर्च कीजिए और उसको क्लियर कर आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कुछ पूछे थे जिनके आंसर यहां पर कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1985 में इसको बनाया गया था। एनवायरनमेंट मिनिस्टर यहां पर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्वाड के बारे में पूछा था, यहां पर क्वाड में मैंने अभी बताया चार मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्वाड जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में जो किसी के द्वारा एक तरीके से बोला गया था, ठीक है, तो शिंजो एबे साहब के द्वारा यहां पर बेसिकली इसको आगे लेकर लाने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। बाकी चार कंट्री मैंने अभी आप लोगों को बताई दी है, इसी के साथ में जिन जिन को ये अवार्ड मिले हैं यहां पर ये चारों क्वाड के मेंबर के लीडर ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, बाकी जो आज क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर जरूर देना, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, जो भी फेस्टिवल होता है उसको एंजॉय करते रहिए। और बाकी ये वीडियो जो सेकंड आती है वो डायरेक्ट पूरा हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन फिर से मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और सबसे पहले मैंने भी किया मॉर्निंग में उठकर आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, अच्छे से एंजॉय कीजिए यार। मैं चाहता हूं कि पूरा साल जो नेक्स्ट ईयर हो वो शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करें। इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बात की, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, नेशनल न्यूज हम लोगों ने देखी, यूनेस्को ये इंटरनेशनल न्यूज़ थी यहाँ पर, यूनेस्को की जो साइट थी, नेशनल न्यूज़ में हम लोगों ने डीटीएस के बारे में जाना डिटेल में, स्टेट न्यूज़ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और सेंटर के साथ मिलकर जो काम किया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान चाइना के कुछ बातें हम लोगों ने जानी, डिफेंस के बारे में जो हम लोगों ने समझे यहां पर, ये किस तरीके से डिफेंस फोर्सेस की हेल्प करने की बात की जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज थी यहां पर इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने समझी कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का हक मिलने जा रहा है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की MRSAM के बारे में, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में जो यहां पर फिल्म डिवीजन है उनको मर्ज करने की बात की जा रही है वो हम लोगों ने समझा। गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहां पर शेड्यूल जो ट्राइब से शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हम लोगों ने समझी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी ये क्विज है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, तो यहां पर जो बात की थी मैंने आप लोगों से यहां पर हक्कर कल्चर के बारे में, तो ये कौन सी कंट्री में इसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, डीटीएस के बारे में बात की थी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं रूल और रेगुलेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है हमारी कंट्री में ग्रीन नेशनल हाईवे को प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश करने के लिए, साहिन 9 जो एक्साइज है चाइना और किसके बीच में है ये आप लोगों को बताना है, मालाबार एक्साइज में फोर्थ कंट्री कौन सी है ये बताना है, इंडियन आर्मी के लिए कौन सा बैंक सामने निकल कर आया हेल्प करने के लिए ये बताना है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में आता है ये बताना है, नेशनल फिल्म डिवीजन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है, ठीक है।
आइए अब थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। ये रिवीजन कर जरूर जाया कीजिए, अगर इसको छोड़कर जाते हैं तो आप लोगों को ना पाप लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं पाप लगे तो फिर मैं कुट्टा हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत किया करो यार, देख के जाया करो, आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोगों के लिए ही यहां पर ये चीजें लेकर आ रहा हूं। नेशनल कंज्यूमर जो उपभोक्ता राइट डे है, इसकी थीम आप लोगों से पूछी गई थी। इसी के साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो WHO के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा ये बात की जा रही है यहां पर फायरफ्लाई ये बर्ड डाइवर्टर, तो किस पर्टिकुलर पक्षी के लिए इसको यूज किया जा रहा है। ये इंडेक्स कौन सा है जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी, तो ये आप लोगों को बताना है ताकि वर्क प्लेस पर उनको इंक्लूड किया जाए। आसाम के अंदर कौन सा यहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको मिनी काजीरंगा आप लोग बोलते हैं। मुगल एम्परर के अंदर यहां पर ये नवरत्न थे, उसमें से जो अब्दुल रहीम खाने खाना किस मुगल एम्परर के साथ में थे यहां पर उस टाइम पर। इसी के साथ में ब्रेक डांस को कौन से गेम का पार्ट बनाया जा रहा है। हेल्प इज इंडिया को यहां पर अवार्ड दिया गया अभी यहां पर, ये यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, तो UNFPA के बारे में आप लोगों को बताना है फुल फॉर्म, ठीक है। तो पहले का आंसर यहां पर द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ठीक है, स्थायी उपभोक्ता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, ये ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट, इसके बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में यहां पर बात की है, ये बात की जा रही है फायर बर्ड डाइवर्टर, ठीक है, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए इसको यूज किया जाता है। ये यहां पर है वर्क जो इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स, तो ये याद रखना है जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए देखने को मिला। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं, मुगल एम्परर थे अकबर जब यहां पर जो रहीम खाने खाना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। पेरिस जो गेम होने वाले हैं फ्रांस के अंदर 2024 में ओलंपिक, उसमें यहां पर ब्रेक डांस भी पार्ट होगा। हेल्प इज इंडिया को यहां पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा अभी यहां पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन, अगर आप लोगों ने यहां तक लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक देकर जुड़ जाइएगा। लेक्चर को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना ताकि इंप्रूव किया जा सके। डेली डिसलाइक आते हैं पर यह पता नहीं चलता है डिसलाइक क्यों कर रहे हो, बताओ ना यार डिसलाइक क्यों कर रहे हो, ताकि इंप्रूव किया जा सके। और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।